नेता मुझसे मिले थे, क्योंकि उस समय सरकार समाजवादियों की थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको 24 घंटे बिजली दी जाए। मैंने उसी समय फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। और उसके बाद मैंने उन्हीं वरिष्ठ नेताओं से जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनसे कहा था उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, न केवल प्रदेश है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को दो दो बार सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाने का मौका दिया। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, तो आज भारतीय जनता पार्टी को न केवल दिल्ली की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका जवाब देना है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दो बार जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, इसलिए आज जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैं दादा को धन्यवाद देता हूँ कि दादा ने यह कहा कि ये बहुत शुभ जगह है, जब भी नेताजी और समाजवादी पार्टियाँ आई है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है, उसकी भूमिका बढ़ी है, और इस बार तो नवराज शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि आपके यहाँ दूसरे नवराज ज़्यादा खुशी से मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे तरफ तो सब नवरात्र मनाए जाते हैं, तो माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नवरात्र मनाने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस बार परिणाम उत्तर प्रदेश में दूसरे देखोगे। और इसीलिए मैंने शुरू की थी बात, 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, 2019 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का मैनिफेस्टो 2017 का, और 2022 का बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी को एक मैनिफेस्टो का जवाब नहीं देना है, 2024 में बीजेपी को 4 मैनिफेस्टो का जवाब देना है। और आप तो वहां पर हैं जहां माँ गंगा को आखिरी में देखते हैं, माँ गंगा कहां से चली, और इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम माँ गंगा को साफ करेंगे। बताओ कितने शहर आते हैं, कितने कारखाने उद्योग लगे हुए हैं इसके किनारे, आज माँ गंगा की स्थिति क्या है, जिसमें हजारों अरबों रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपए खर्च हो चुका है नमामि गंगे गंगा के नाम पर, न जाने कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाओगे कि जितना बजट दिया वो गंगा की तरह बह गया उसमें। मुझे याद है 2014 के बाद जब बनारस में बिजली संकट आया और वहां के भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेता मुझसे मिले थे, क्योंकि उस समय सरकार समाजवादियों की थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको 24 घंटे बिजली दी जाए। मैंने उसी समय फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। और उसके बाद मैंने उन्हीं वरिष्ठ नेताओं से जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता है, उत्तर प्रदेश ने दो बार सरकार बनाने का मौका दिया है, उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ना चाहिए। लेकिन आज भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का दिल्ली की सरकार ने नहीं बढ़ाया है, और ये लग रहा है कि ये जानबूझ करके हड़ताल करा करके उन कर्मचारियों को इन्होंने भरोसा दिलाया था एक समय पर कि आपकी सभी मांगों को माना जाएगा। चुनाव से पहले इन्होंने बुला करके कहा था बीजेपी के नेताओं ने, और आखिरकार जब वो अपनी मांग कर रहे हैं तो बीजेपी क्यों पीछे हट रही है। ये संकट पूरा पैदा किया हुआ है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट हो, और इसी के बहाने हम उत्तर प्रदेश के सब कारखानों को बेचकर